हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नए विषय के साथ, जैसा कि हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक फर्स्ट स्टेज पिछले वीडियो में पूरा तरीका विधि लाभ सीख चुके हैं। अब दूसरा वीडियो नाड़ी शोधन प्राणायाम का सेकेंड स्टेज कुंभक के साथ हम लोग कैसे करेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। आगे बात करने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करें। तो हम बात कर रहे थे नाड़ी शोधन प्राणायाम की। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको कुंभक के साथ कैसे करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभ्यास ध्यान रखेंगे कि जो भी हृदय रोगी हैं या अस्थमेटिक सांस के क्रिटिकल पेशेंट हैं वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, विशेष सावधानी ध्यान रखेंगे। नंबर दूसरी बात, इस अभ्यास को जिन लोगों के घुटने में दर्द है वो लोग चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, और बाकी लोग किसी भी आसन में सीधे बैठकर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग विधि सीखेंगे, फिर इसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो विधि के लिए सबसे पहले आप किसी भी आसन में सीधे बैठ जाइए। इसमें आपको मैं दो मुद्राएं बताता हूं। याद रखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम में मुद्राओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। दो मुद्राएं, पहली मुद्रा नासिका मुद्रा, इसमें आपको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर फोल्ड कर लेनी है, और अंगूठा और बाकी दो फिंगर सीधी रखेंगे। इसको बोलते हैं नासिका मुद्रा। अंगूठा आप हमेशा राइट नॉस्टल बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर हमेशा लेफ्ट नॉस्टल बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए किस तरह हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको दूसरी मुद्रा के बारे में भी बता दूं। दूसरी मुद्रा में आपको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों को आपको आज्ञा चक्र पर रखना है, और नॉस्टल बंद करने के लिए अंगूठे का और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये मैंने इस तरह दोनों फिंगर आज्ञा चक्र पर, ये जो त्रिनेत्र का स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, इस पर आप दोनों फिंगर रखेंगे और अंगूठे से राइट नॉस्टल बंद करेंगे, और स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर से राइट नॉस्टल बंद करेंगे। इसको इस तरह नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। तो ये दो मुद्राएं मैंने आपको बताई, तो मैं आपको नासिका मुद्रा से अभ्यास को करके दिखाता हूं किस तरह करना है, क्योंकि इस अभ्यास में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुंभक का बहुत बड़ा रोल है, इसमें हम लोग अंतः कुंभक का अभ्यास करेंगे। शुरुआत करेंगे 3 सेकंड से। 3 सेकंड में आपको लेफ्ट से इनहेल करना है। ध्यान रखिएगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने 3 सेकंड में इनहेल कर लिया। अब 3 सेकंड होल्ड करूंगा। छह सेकंड में एक्सहेल करूंगा। 3 सेकंड में इनहेल करूंगा। 3 सेकंड फिर होल्ड करूंगा। 6 सेकंड में एक्सहेल करूंगा। ये मैंने शुरुआत में प्रारंभिक स्तर पर बताई है। 3 सेकंड में इनहेल करेंगे, 3 सेकंड में होल्ड करेंगे, 6 सेकंड में एक्सहेल करेंगे। हमेशा इनहेल से डबल एक्सहेल करते हैं। श्वास अगर आप 3 सेकंड में ले रहे हैं तो 6 सेकंड में छोड़ेंगे, और 5 सेकंड में ले रहे हैं तो 10 सेकंड में छोड़ेंगे। तो फिर आपने 3 सेकंड में फिर इनहेल किया, और फिर आपने 3 सेकंड फिर होल्ड किया, और 6 सेकंड में फिर एक्सहेल किया। ध्यान रखिए, अगर आप इससे स्टार्ट करते हैं तो आप फिर राइट से, और फिर राइट से लेते हुए लेफ्ट पे छोड़ते हैं, ये एक सर्किल कहलाता है, एक चक्र कहलाता है। शुरुआत में हमेशा 9 से 11 चक्र करेंगे, और धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसके आप 18 चक्र 21 चक्र अपनी क्षमता अनुसार, जितनी आपकी कैपेसिटी बैठने की है उतने चक्र आप बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत मैंने प्रारंभिक स्तर पर बताई, 3 सेकंड से स्टार्ट करिएगा। फिर सेकंड स्टेज में आप फिर दोबारा इसको
5 सेकंड से स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड में अगर आप इनहेल करते हैं तो 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर जो एक्सहेलेशन है वो 10 सेकंड का है। फिर आपको 5 सेकंड में इनहेल करना है, फिर 5 सेकंड ही होल्ड करना है और फिर 10 सेकंड एक्सहेल करना है। ये आपका 5 सेकंड का राउंड हो गया। तो ध्यान रखिए 3 सेकंड से स्टार्ट करिए, कुछ दिन के अभ्यास के बाद फिर आप 5 सेकंड या 10 सेकंड का होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम यह आपके अंतः कुंभक के साथ है, इसके जबरदस्त रिजल्ट हैं, अमेजिंग रिजल्ट हैं। इसको आप कुछ दिन करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हार्ट के, हृदय के रोगी और अस्थमेटिक क्रिटिकल पेशेंट्स इस अभ्यास को नहीं करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 72 हज़ार कुछ नाड़ियाँ होती हैं, उन पर सीधा सीधा इफेक्ट नाड़ी शोधन प्राणायाम का होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके स्नायु तंत्रों से, नाड़ी तंत्र से संबंधित होता है, जो आपके मस्तिष्क और मन के अलावा भी सारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे सारा कनेक्टेड होता है और उन नर्व पर ऊर्जा का फ्लो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको हर क्रिटिकल रोग में लाभ मिलता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हर व्यक्ति कर सकता है, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सामान्य वाला बताया था। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे रोग जहाँ पर दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, जहाँ पर कोई थेरेपी काम नहीं आती, वहाँ पर भी नाड़ी शोधन प्राणायाम के जबरदस्त रिजल्ट हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है, जो लगातार सेल्स आपके डेड होते हैं वो भी नए बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत से ऐसे कैंसर्स के पेशेंट में जहाँ पर रिकवरी नहीं आती, उन पेशेंट्स में भी, या कीमोथेरेपी जो पेशेंट लेते हैं वो भी अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उनमें भी जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। आज के समय में आप जानते हैं डिप्रेशन, तनाव, चिंता, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स, अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं, उसमें भी नाड़ी शोधन प्राणायाम के जबरदस्त रिजल्ट हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको ध्यान में ले जाता है। अगर आप 3-4 मिनट 5 मिनट बैठते हैं और उसके बाद जब मेडिटेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि मेडिटेशन में आपका मन बहुत जल्दी एकाग्र होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का आपके मानसिक रोगों पर, मन के रोगों पर बहुत अधिक लाभ है, जबकि आप जानते हैं कि मानसिक रोगों में, मन के रोगों में दवाओं का कोई लाभ नहीं है। आप नींद की दवाएं ले रहे हैं, लगातार वो आपकी बढ़ती रहेंगी, उनका आपको लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आप लेंगे तब तक आपको नींद आएगी, लेकिन अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम को अपनी इस दिनचर्या में ऐड कर लेते हैं तो आप देखेंगे वो समस्याएं आपकी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसके अतिरिक्त हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, ये 7 चक्र आपके होते हैं। इन 7 चक्र आपके ऊर्जा के प्रमुख केंद्र हैं। इन ऊर्जा के केंद्रों पर भी नाड़ी शोधन प्राणायाम का जबरदस्त लाभ मिलता है। इन ऊर्जा के केंद्रों पर जब ऊर्जा का प्रभाव ठीक होता है तो आपका मेडिटेशन में ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन बनने लगता है और आपको अलग अलग तरीके के अनुभव होने लगते हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोग सब जानते हैं कि हमारी राइट नॉस्टिल सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नॉस्टिल चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना भी कह सकते हैं, इन नाड़ियों को भी बैलेंस करने का काम करता है, इनको ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाकर इनको शुद्ध करता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के बहुत लाभ हैं, बस आप लोग इसको लगातार करिए और इसका लाभ उठाइए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव देना मत भूलिए। हरिओम।